Okay, Ji. Now we go over to another animal, which is a very beautiful animal. This is Arctic foxes. Arctic foxes. Arctic foxes. Arctic foxes live in the Arctic, where it is very difficult for some animals to live.

सर्दी होती है और बहुत ज़्यादा बर्फ होती है सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सम एनिमल्स टू लिव ये आर्कटिक ऑक्सिस फॉक्सिस कहाँ रहती हैं ये आर्कटिक में रहती हैं और जहाँ पर बहुत सारे जानवरों के लिए रहना या ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड देर वहाँ पर बहुत बहुत ठंड होती है इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड देर for most of the year there is a lot of thick snow and it is not always easy to find food dekhi kya hota hai ki for the most of the year ke saal ke zyada tar waqt jo saal ka hota hai there is a lot of thick snow बहुत भारी सी और बहुत मोटी सी उधर तय जो होती है बर्फ़ की जमी रहती है एंड इट इज़ नलवेज़ ई ईजी टू फाइंड फूड और वहाँ पर हर वक्त इतना आसान नहीं होता अपना खाना इन बेचारों के लिए तलाश करना ठीक है ये बहुत मुश्किल होता है इनके लिए खाना तलाश करना सो दिस आर्कटिक फॉक्स इज़ लुकिंग फॉर फूड इन दिस स्नो ये देखें आर्टिक फॉक्सेज बेचारियाँ सूंग सूंग के देख रही हैं बर्फ़ में कोई बीच में कोई कीड़ा मकोड़ा या ऐसी चीज़ है जिसको वो खा सकें और ज़िंदा रह सकें क्योंकि बर्फ़ के ऊपर तो कोई शायद भी ज़िंदा नहीं ना रहती तो ये बेचारी कड़े खोद खोद के बीच में से कुछ चीज़ें निकालती हैं ताकि उसको खा सकें और ज़िंदा रह सकें सो दिस आर्कटिक फॉक्स इज़ लुकिंग फॉर फूड इन द स्नो ये आर्टिक फॉक्स कह रही है इट इज़ लुकिंग फॉर द फूड इन द स्नो अगले पेज पे हम चलते हैं पेज फोर्टी पे वाम फर वाम फर गर्म वाली फर जो होती है ना वो क्या चीज होती है आर्कटिक फॉक्सिस है वेरी थिक फर एंड शॉर्ट ईयर्स विच हेल्प्स देम टू स्टे आर्कटिक फॉक्सिस जो होती हैं उनके जो फर होते हैं ना उनके जिस्म के ऊपर जो बालों बाल होते हैं फर जिसको बोलते हैं जो बाल होते हैं ना मोटे मोटे उनके पूरे जिसम पे उसको बोलते हैं फर हैव वेरी थिक फर बहुत घने उनके ऊपर बाल होते हैं एंड शॉर्ट ईयर्स उनके कान बड़े छोटे छोटे से होते हैं विच हेल्प्स देम टू स्टे वजह से वो ये है कि वो थोड़ा सा गर्म रहती हैं वरना कानों को भी बड़ी सा ठंड लग जाती है ना और जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं ताकि सर्दी से वो बच सकें ठीक है देर फर इज वाइट की फर जो होती है वो सफेद रंग की होती है द सेम स्नो जैसे कि बर्फ का रंग होता है सो इट इज हार्ड फॉर अदर एनिमल्स टू सी देम सो इट इज हार्ड फॉर अदर एनिमल्स टू सी देम सो इसलिए दूसरे जानवरों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो उन्हें देख सके क्योंकि वो स्नो भी वाइट होती है और ख़ुद भी उनका रंग वाइट होता है तो उसमें ऐसे दूर से नजर ही नहीं आती आर्कटिक फॉक्सेज हैव फर ऑन द बॉटम ऑफ देयर फीट विच हेल्प्स देम टू वॉक वेल ऑन द स्नो आर्कटिक फॉक्सेस क्या होता है जी आर्कटिक फॉक्सेज हैव फर ऑन द बॉटम ऑफ देयर फीट यानी उनके पाव के नीचे भी जो होते हैं ना वो बाल होते हैं फर होते हैं विच हेल्प्स देम वॉक वेल ऑन द स्नो जिसकी वजह से वो जो है बर्फ पे भी बड़ी अच्छी तरीके से चल सकती हैं यह भी देखें ये एक थिक फर बताई है कि यह आर्टिक फॉक्स के ऊपर क्या होता है बड़ी थिक सी फर होती है ठीक है बहुत थिक बाल होते हैं इनके इन वेरी कोल्ड विंटर्स ए फॉक्स कैन ट्रेवल नाइंटी फाइव किलोमीटर डे टू फाइन फूड यानी ये बिचारियाँ इतनी इनको मेहनत करनी पड़ती हैं कि समटाइम्स सर्दियों में दे हैव टू वॉक फॉर 95 फाइव किलोमीटर्स इन अ डे टू फाइंड फूड अपने ख़ुराक की तलाश में उनको 95 फाइव किलोमीटर तक जाना पड़ता है समटाइम्स समाइम्स फॉक्स हैव टू स्लीप ऑन टॉप ऑफ द स्नो और कई मरतबा तो उन बेचारों को स्नो के ऊपर ही सोना पड़ता है ये लुक एट दिस दे हैव वेरी शॉर्ट ईयर्स इनके छोटे छोटे कान नज़र आ रहे हैं ना ये दे हैव वेरी शॉर्ट ईयर्स ठीक है जी सो आपने याद रखना है कि आर्कटिक फॉक्सेस जो होती हैं इनका रंग वाइट होता है और उनके ऊपर एक फर होती है विच कीप्स देम वार्म इन दी कोल्ड वेदर ऑफ आर्कटिक ठीक है ना जी और इनके कान भी छोटे छोटे होते हैं और उनके पाँव के नीचे भी फर होती है ठीक है और दे कैन सर्वाइव दे हैव वाइट कलर इनका होता है ताकि दूर से इनको जानवर को देख ही ना सकें ठीक है